लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 17 ए. क्वेश्चन नंबर 17 इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. वो कह रहा है वेसल एक हेमिस्फेरिकल बॉल की फॉर्म में है जिसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर है. बना लेते हैं साइड बाय साइड. ये देखिए, ये हमने एक स्फेरिकल हेमिस्फेयर बनाया, उसके ऊपर हॉलो एक सिलेंडर बनाया. आगे क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 14.5 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कैपेसिटी. वो कह रहा है हेमिस्फेयर का डायमीटर कह रहा है 21 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स ये हो गया डायमीटर. तो ये हमारे को दे रखा है 21 सेंटीमीटर. और क्या कह रहा है, पूरी वेसल की हाइट कितनी है, दैट इज 14.5 सेंटीमीटर. इस पूरे वेसल की हाइट है 14.5 सेंटीमीटर, राइट. ये पूरी हाइट है. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड इट्स कैपेसिटी. तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं. देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दे रखा है. डायमीटर हम सिलेंडर का कहें या हेमिस्फेयर का कहें, बात एक ही है. तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आ गया हमारा डायमीटर का आधा, दैट इज 21/2, 10.5 हो गई, राइट. अब हमें अंदर की कैपेसिटी निकालनी है. तो हम इसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, अंदर का वॉल्यूम निकाल के निकालेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब होता है. तो 2/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 10.5 × 10.5 × 10.5, राइट. तो पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो लग गई, फिर से पॉइंट हटाया एक जीरो लग गई, पॉइंट हटाया एक जीरो लग गई. तो देखिए, 7 × 7, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया. अगेन 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 2 × 2, 2 × 2. अगेन देखिए, 5 × 2 = 10, 5 × 5, 5 × 2 = 10. तो ये कितना आ गया, 21 × 21 × 11. तो यहाँ पे कर लेते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 21 × 21 = 1, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4. तो ये आया 441 × 11, 441 × 11 करेंगे तो 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, 45, 44, 48. तो ये आ गया 4851/2 cm³ आ गया हमारा इस स्फेयर का वॉल्यूम, राइट. अब हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए हमारी टोटल हाइट दी हुई थी, राइट, वेसल की. तो हमारी हेमिस्फेयर की हाइट कितनी होगी, जितना इसका रेडियस होगा उतनी उसकी हाइट होगी. तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगी, देखिए टोटल हाइट किस किस को मिला के बनी है, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, राइट. किसी भी गोल चीज की हाइट उतनी ही होती है जितना उसका रेडियस सेंटर से,
उसकी हाइट निकालें तो उतनी ही आएगी। तो टोटल हाइट हमारी थी 14.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर हमें निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर की हाइट कितनी हुई, जितना उसका रेडियस था दैट इज 10.5। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, 14.5 में से हमने 10.5 माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें पता चल गई। तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था दैट इज 10.5 × 10.5, क्योंकि दोनों का हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी सेम था और हाइट थी हमारी 4। तो ये कितना आ गया, पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो लग गई, फिर से पॉइंट हटाया नीचे जीरो लग गई। अब देखिए 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 5. तो ये कितना आ गया, 22 × 3 = 66, 66 × 21, तो 66 × 21 कितना आ गया, 6 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 and 13, तो ये कितना आ गया, 6 × 8 = 3 and 1, तो ये आ गया 1386 cm³। तो हमारा अब टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी हमने निकाली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आया 1386 और हमारा हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना आया, 4851 upon 2। तो ये कितना आ गया, 1386 प्लस, इससे यहाँ यहीं डिवाइड कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10.5। तो ये कितना आ गया, 0.5 एज इट इज, 6 + 5 = 11, कैरी 1, 9, 10, 11, कैरी 1, 4 + 4 = 8 and 3, 3811.5 cm³ इज द आंसर। इसका मतलब हमारी टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी हो गई, दैट इज 3811.5 cm³ इज द आंसर।